तो गोलू अभी उसका याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गया है, वो गाड़ी भूल गया था कहाँ पे रखा है। से दिखता है हमारा लायन सफारी का एंट्रेंस गेट, और अभी इसके अंदर हम लोग एंट्री लेंगे और पता करते हैं टिकट का क्या भाव है। अगर मान लो लायन इधर से आएगा तो क्या करेगा? आएगा ही नहीं। नहीं मान लो अगर आ रहा है तो क्या करेगा? इतना बड़ा गेट पर लास्ट टाइम कब आए थे? किसी तेरे घर पे आए थे? वही तो बोल रहा हूं, कितना छोटा था तब। गाइस ये बहुत अच्छा है, मैं यहां पे करीबन 14 साल बाद आ रहा हूं। थर्ड फोर्थ में स्टैंड में था तब आया था मैं, और अभी तो काफी अच्छा है यहां पे। इसको रिनोवेट कर दिया है, बोर्ड वोर्ड सब लगा दिया है। 25 रुपया 3 टिकट ले ले। कहाँ चल रहा है क्या मैडम? खाना चल रहा है क्या? लाइन है क्या अंदर? कैसा है बुढ़ा है कैसा है? मतलब उसको खाना वाना खिलाते हैं या? 3 कितने बजे निकलेगा मैडम गाड़ी? अभी अंदर गई, आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा ले। तो गाइस मैं ये जो एरिया है इसका एक टूर देता हूँ अच्छा सा आपको। तो ये तो फिलहाल है व्हीकल रखने के लिए पार्किंग है, और ये सिटिंग और वेटिंग एरिया है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है पूरा, ये हैंडीक्राफ्ट जो बैम्बू रहता है उसका बनाया हुआ है, और पीछे साइड में भी पूरा चेयर वेयर लगाया हुआ अच्छा सा। मतलब अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी 10-15 मिनट बाद आता है, तो उसके हिसाब से आप आके यहाँ पे आराम कर सकते हो। ये कुछ इस तरह का चेयर यहाँ पे बनाया हुआ है, और पीछे में ये एक रूम है, आई थिंक ये टॉयलेट होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। मेल और फीमेल का ये टॉयलेट है, और टॉयलेट के वो साइड में भी लगता कुछ है। अच्छा वो आगे से बनाया हुआ है, उधर पे है टॉयलेट, पीछे टॉयलेट है। और टॉयलेट के बाद में बाहर निकलेंगे इस साइड से, तो यहाँ से रास्ता दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा गार्डनिंग किया हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, बस यही इसका बाहर साइड का वेटिंग एरिया में सब है। और उसके बाद फिर अभी आधे घंटे या 10 मिनट में गाड़ी आएगा, तो हम लोग चलते हैं। इसलिए मेरा आवाज़ दब रहा है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है सुबह से। ऐसे ही हम लोग नाश्ता करके चाय पी के निकल गए थे, और अभी गन्ने का जूस पिया है, अभी थोड़ा जाके आगे सिलवासा में और खाना वाना खाएंगे, तब जाके थोड़ा जान में जान आएगा। हाँ ठंडा ठंडा हुआ है बस, सो जाएंगे तो मस्त नहीं ना। और ये एक बोर्ड है जो कि लेआउट मैप ऑफ लायन सफारी, जूम करके मैंने आपको दिखाया, हालांकि इतना खास दिख नहीं रहा है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वही सब लिखा हुआ है। और ये है मैप है यहाँ पे, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक एंड एथनोग्राफिक, लोकेशन एंड ज्योग्राफिकल एरिया, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, और ये एक नक्शा है। तो गाइस बस आ गया है हमारा, और मुझे लगता है अभी हम लोग को जाना चाहिए। गाइस तो ये सब रिटर्न पार्टी है जो घूम के आ रहे हैं, और अभी हम लोग बैठेंगे इसमें। अंकल कैसा लायन है? यंग है? यंग नहीं है, सोया हुआ है। सोया हुआ है लाइन है सर। आना इधर, वो इधर इधर बैठेगा, आगे बैठते हैं। ड्राइवर आ गया, निकलते हैं। अरे जल्दी आ, कौन है? नहीं अंदर दबा, वो बटन को अंदर दबा। चलो तो पहले ही बोला था, तो अभी ये छूट जाता किशोर, उसको पहले ही बोला था, लेकिन वो बाहर बैठ पंखे के नीचे बैठा हुआ था। तो बस चालू हो गया, अभी निकलते हैं सफर पे।
और लाइन वाइन सब देखेंगे आराम से। इधर पहले आके बैठ गया ना भाई, ये बस अभी यहाँ से एंट्री लेगा अंदर की साइड में, और ये गेट लगता है ऑटोमेटिक है। अच्छा उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, अच्छा इधर से देख 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 गाइस बहुत शांत बैठा हुआ, कुछ उसको हरकत ही नहीं है, बैठी हुई है, बैठी हुई है, सॉरी लाइनेस है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस। एक बात बताओ, इन लोगों को खाना वाना नहीं देते क्या? हाँ शाम को केज में चला जाता है, केज में जाता पिंजरे में। अच्छा लाइन में देखा होगा पिछवाड़े से। अरे उठा 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 ओ भाई बस पोस दिया, गाइस देखो ये काफी शानदार उसने पोस दिया है और इधर ही पे देख रही है वो सीधा, बाकी पिछले बार हमने देखा तो बैक साइड से देख रही थी। भाई बहुत एकदम ऐसा लग रहा है कि बीमार है, एकदम सुस्त पड़ी है, उसके लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। इतना बड़ा जंगल है, एक लाइनिस लाइनस और एक मोरनी है, मोर था कि मोरनी पता नहीं, बस वाला भी बहुत जल्दीबाजी में एकदम फटाफट भगाया जा रहा है। सो गाइस हमने लायन सफारी का टूर तो कर लिया और अब चल रहे हैं थोड़ा खाएंगे।